गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद, हाउ आर यू? वेरी वेल शाहरुख भाई, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे? गुड इवनिंग एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे प्रियंका ने हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया है। आउटस्टैंडिंग, हाँ, बहुत ही खूबसूरत है प्रियंका। वेरी वेरी प्रिटी, या लवली। अभी बस थोड़ा काइंड अ लिटिल। ओके देन, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। क्यों, तुझे क्यों बुरा लग रहा है उसकी तारीफ कर रहा हूं? जस्ट ऐसी, मतलब आई लाइक द फैक्ट दैट यू आर प्रेजिंग हर, बट यू नो वी कुड जस्ट प्लीज। क्या तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरे रिश्ते में लगती है? बोलना हाँ या ना बोलना, आगे बढ़ते हैं। बहन लगती है क्या? कम बैक है शायद, कम बैक है। ऐसा प्रियंका ने बोला, एक ने जिसे उसे मोहब्बत रोमांस करना सिखाया। जी बिल्कुल, हाँ वो मैं हूं जी। और दूसरा जिसे देखते ही रोमांस और मोहब्बत हो जाती है जी, हाँ? जो तू है जी। तो उल्लू के पट्टे, ये सारी लड़कियां मुझसे कोचिंग लेकर तेरे पे आके ट्राई करती हैं, है? वापिस बुलाओ उसको। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, पहले वापिस बुलाओ उसको। सुनिए सुनिए सुनिए, आप एक काम करते हैं कि लड़कियों को रहने देते हैं, आप मेरी बुराई कीजिए। नहीं नहीं, यू थिंक शी इज नॉट नाइस ना? नो नो, आई थिंक शी, कुछ तो बुराई कर। नहीं नहीं, वेरी नाइस। ओके, लेट इट बी, आई एम ट्रबलिंग शायद। लेडीज जेंटलमैन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द स्टार स्क्रीन अवार्ड्स। मैं ऐसे ही शायद से मजाक कर रहा था, थोड़ी सी बदतमीजी कर रहा था, और जब तक हम दोनों यहां पर रहेंगे एक दूसरे से काफी बदतमीजी करते रहेंगे। बट आई रियली वांट टू टेल यू कि मुझे शाहिद बहुत अच्छा लगता है, हमारे नॉट ओनली आर फ्यूचर बट आई थिंक आर प्रेजेंट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल, वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड, एंड जेन्युइनली बियॉन्ड ऑल दिस मुझे ऐसा लगता है कि शाहिद कपूर हमारी इंडस्ट्री के सबसे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सुपरस्टार है। प्लीज या गिव हिम अ बिग हैंड, इज अ रिस्पॉन्सिबल गाय, इज अ वेजिटेरियन, डजंट ड्रिंक, डजंट स्मोक, इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। यू रियली थिंक आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल? आई रियली थिंक यू आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, एब्सोल्युटली। अभी पिछले एक साल के अंदर 6 लड़कियों के साथ इनका अफेयर चल रहा था और फिर ब्रेकअप हो गया। 6 की 6 लड़कियों ने कहा यही रिस्पॉन्सिबल है। कुछ 5 फिल्में थी इसकी जो एकदम अटर फ्लॉप थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा शाहिद ही रिस्पॉन्सिबल। और ये तो छोड़ो, घर की बात सुनो, पापा कहते हैं इसके खुद के कि यार ये जो मौसम पिक्चर है डिले हो गई उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल शाहिद ही है। सो ही इज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सुपरस्टार्स। देखिए शाहरुख भाई, आपने वादा किया था आप यहाँ पे आते ही अपना ये शाहरुखनेस नहीं स्टार्ट करेंगे। नो नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना ट्रबल यू, आई लव यू एंड आई रियली रियली थिंक यू आर द वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्टर्स। और मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा चीप है तो प्लीज आप लोग यहाँ पे बुरा मत मानिएगा, लेकिन कोई एक न्यू कमर एक्ट्रेस, तुम न्यू कमर्स के साथ भी काम करते जी बहुत, सो न्यू कमर एक्ट्रेस तुम्हारे पास आए जी, और हाउ इट इज नाउडेज, यू नो द गर्ल्स वेयर लिटिल लो कट टी शर्ट्स एंड स्टफ, और तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पैर छुए, मेरे पैर आदर से प्रणाम करे, क्या बात करे, और ऐसा झुक कर बोले हाँ जी, ऐसा पैर छुए जी, तो जब वो छुरी होगी जी तो तुम्हें उसके क्या दिखेंगे? जी मैं इसका सवाल इन सबके सामने नहीं दे सकता। इसका जवाब नहीं दे सकता? नहीं मैं। क्यों? नहीं, आई मीन ऑब्वियसली इट्स सच अ वल्गर क्वेश्चन। क्यों तुम्हारा दिमाग ऐसा चल रहा है? कोई वल्गैरिटी नहीं है इस सवाल के अंदर। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली, जो हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं जी, अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि कोई झुक के ऐसे तो ऐसे पूछे क्या तो दिखेगा, मुझे तो उसके संस्कार दिखेंगे। तुम क्या सोच रहे थे क्या दिखेंगे? नहीं अभी मतलब घटिया थॉट, ऑल दीज न्यू कमर्स विद वल्गर चीप थॉट्स कमिंग इनटू द इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रॉइंग इट। देखिए शाहरुख भाई, ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्योंकि आप दिलों के बादशाह हैं और इंडस्ट्री की सारी लड़कियां आप पर मरती हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। के मल्लिका शेरावत सलवार के नीचे क्या पहनती हैं? मुझे जवाब मालूम है लेकिन ऐसा पब्लिकली बताऊंगा नहीं मैं यार। नहीं, क्यों आप ऐसे क्यों पब्लिक में क्यों नहीं बता सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? घटिया सा सवाल है। अरे घटिया सवाल ये नहीं है। फिर क्या 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 तुम्हारा मतलब? देखिए आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे शर्म आती है, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। मेरा सवाल था मल्लिका शेरावत सलवार के नीचे क्या पहनती हैं, तो उसका जवाब ये है कि वो चप्पल या सैंडल पहनती होंगी क्योंकि गम्बूट तो सलवार के साथ मैचिंग नहीं जाता है ना। लेकिन आपने भी गंगा जोता ना, एक्चुअली आपकी जनरेशन भी काफी आगे है। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज
कि हम दोनों की जो जनरेशन है और आने वाली, हम सभी चीप और घटिया किस्म के इंसान हैं। बहुत which is okay, we get paid for घटियानेस। 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा कर ले सजन कर ले जतन कुछ कर ले। खाली बातों से तेरी बात ना बने हीरा, खाली बातों से तेरी बात ना बने हीरा, हम से न होगा मिलन कुछ कर ले, कुछ कर ले जतन कुछ। जी रेखा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस साल आप 18 बरस के अगर हो जाएंगी तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, वोट कर पाएंगी आप, कॉलेज में भी जा पाएंगी। क्या बेतु की बातें कर रहा है तू रेखा से? रेखा जी से माफ कीजिएगा। शाहिद और मैं यहां पर हैं तो हम दोनों को भी कुछ चांस मिलना चाहिए ना, तो हम ड्रीम ऑन। ड्रीम ऑन मींस ड्रीम ऑन, नो चांस, नो चांस एट ऑल फॉर मी एंड शाहिद। मेरा करना क्या चाहते हैं आप देखिए, आप बोलेंगे तो हम आपके लिए कुछ एक डांस करें, आपके लिए कुछ पेशकश करें। मैं आपके लिए शायरी करता हूं, आपने किया है कि कितनी शिद्दत से मैंने, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ऐसी शायरी नहीं होती बेटा, नहीं सॉरी। रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी मगर मगर ये हो ना सका, होगा भी नहीं बच्चे। सॉरी, इसके साथ तो ये नन्ना मुन्ना बच्चा है, अगले जन्म क्या, हजारों जन्म के बाद भी नहीं हो सकता। हम आपके लिए ऐसा एक गाना बजाना बजा करेंगे कि हो सकता है शायद हम आप दोनों को थोड़ा सा और प्यार करने लगे, थोड़ा सा हमारे करीब आ सके। म्यूजिक वी गोना ट्राई टू मेक श्योर दैट रेखा जी काइंड ऑफ थिंग्स अ लिटिल बेटर ऑफ आर। I have to do something. I have to bachao you guys. Hum tera naam sun ke chale aaye hain. Ab sabate hame yaad tujhe de sehar. Teri mehfil mein ye dil chale aaye hain. Ek ehsaan kar. So much. We just like to ask you, Shahid and me, हम जब backstage पे थे, हम सोच रहे थे कि आपके जो दिल नशीन सबसे favorite actors, actresses, romantic. जी. बच्चे तेरे पर निकल रहे बेटा। पूछ ले, तू ही पूछ ले। नहीं नहीं, मतलब आपके सबसे दिल नशी रोमांटिक हीरो कौन hero? है? जी जी, कौन है? शुरू हो जाओ प्लीज, बोलिए। सबसे पहले तो दिलीप सा, oh. I think he's unbelievably romantic. फिर देव साहब, ओके, राज कपूर जी, शमी कपूर, बहुत अच्छे हैं, थोड़ी उम्र में कमाए ना, हमारी तरफ आए ना थोड़ा, रणधीर कपूर, डोंट डिस्टर्ब जब बुजुर्ग होता है तो, ऋषि कपूर, जितेंद्र,
धर्मेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना जी, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। लेकिन वो कुछ भूल सा गई आप? कोई एक्टर्स और भी कुछ तो कोई तो होगा जो मतलब आसपास हमारी जनरेशन मतलब कभी क्या क्या मैं कुछ भूल गया मेरा? जी हाँ, हो सकता है कुछ उम्र का तकाजा है ना। आप कहाँ, आप तो 18 बरस के हैं। वो भी भूल गई, लगती तो वैसे ही है। 18 बरस की हूँ, ये भी मैं भूल गई। लेकिन आप ये खूबसूरत रोमांटिक हीरो शाहिद को भूल गई, मुझे भूल गई, हमारा नाम भी तो लीजिए ना आप लोगों का नाम। प्लीज बोलिए, क्या फायदा? प्लीज, ये फायदा ये है कि हम दोनों आपके बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत बड़े, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो बहुत प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले आप हम दोनों को एक ऑटोग्राफ देकर जाएं। एक ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? जी। आर यू सीरियस? जी एब्सोल्युटली सीरियस। ओके ओके। और हमारे अरे मांगा भी तो क्या मांगा नवाब साहब, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जी पहले ऑटोग्राफ दो। जी बिल्कुल, प्लीज। दिल पे दीजिएगा, ये दीजिएगा। अच्छा, तो बाद में शर्त बताऊंगी। नहीं, हाँ। मेरे आप दिल पे दीजिएगा इधर। दिस इज डेटा, दिस इज सेंसर। नहीं, ये कोई सेंसर नहीं करेगा। मैं, मुझे भी अलाउड है? जी मुझे भी एक मिल सकता। आई हैड अ ग्रेट टाइम इफ आई मेड फन विद शाहिद बिकॉज ही इज दिस young wonderful actor who allows me to, so thank you Shahid for being with me here tonight, or all these wonderful being a part of the film industry. Before you go, we'll do a little dance with you for Tere Mast Mast Dhunay. Yeah, I'm never ready to dance on Mast Mast Dhunay. Okay, will you join us? Or ha Sanjay sir, aap nahi? Yeah, aap karte rehte tujhko saanj savere naino mein basiyan jaise main ye tere बसियां जैसे आई नो नी बन स्टार ये तेरे मस्त मस्त मेरे दिल का ले गए मेरे दिल का ले गए।